उसने सोचा भाई कि बोल रहा है कि भाई सभी तीन तीन दो दो लाख कमा रहे हैं साइप्रस में, ठीक है, 10-11 बजे रात को भी खाना खुद ही बनाना है। वो बोला कि खुद ही खाना बनाना पड़ता है, तो भाई फिर पछताना होता है कि यार इससे अच्छा तो मैं उधर ही कमा रहा था, राजे की तरह कमा रहा था, क्योंकि इधर आके काम ढूंढो, पहले तो काम नहीं मिलता है आसानी से, जो लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्होंने इंडिया में भी कोई काम नहीं किया है, इंश्योरेंस भरो, रोड टैक्स भरो अगर आपने, और बाद में अगर काम मिल गया तो बाद में आपको हाउस रेंट, ठीक है, 2-1 लाख भी कमा रहे हो, ठीक है, तो 50,000 इधर ही चला गया इन चीज़ों में, ठीक, 1-2 साल लगता है। जो लोग 2 साल इधर निकाल गए वो कुछ बन सकते हैं, और वो चीज़ें तभी होती हैं जब आप 1 साल तक इधर रहते हो, क्योंकि डिलीवरी भी आते ही नहीं मिलती है, उसके लिए लाइसेंस बनाना पड़ता है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग, और स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई आज बीच पे आए हैं, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। यार आज ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ना कि पहले कभी नहीं वीडियो में बोला मैंने, ठीक है, तो आज हम वीडियो में बताएंगे आपको। कुछ लोगों के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना कि मतलब मेरे को लगा था कि लोगों को पता होगा इन चीज़ों का, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है ये चीज़ें जो मैं आगे आने वाली बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को सारा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो कुछ 7-8 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि 4 बातें ही हैं बस। तो जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि यार कुछ लोग इधर आ रहे हैं और वो वापस चले जाते हैं, क्यों जाते हैं, ठीक है, वो कुछ सोच के कुछ और आते हैं, और होता उनके साथ कुछ और है इधर साइप्रस आते हैं जो लोग, जब कोई भी और कंट्री में जाते हैं, है ना, तो वो वापस चले जाते हैं। इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन देंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ, और हम चलते हैं वीडियो में आगे, तो रास्ते में बताता हूँ मैं आपको। भाई मुझे ना एक बंदे के मैसेज आए कि भाई मैं साइप्रस आना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे इतने पैसे हैं, मतलब मैं उसके टॉपिक से आपको, सभी लोगों को जो वीडियो देखते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ये वाली, जिनका दिमाग होगा वो समझ जाएंगे। उसने सोचा भाई कि बोल रहा है कि भाई सभी तीन तीन दो दो लाख कमा रहे हैं साइप्रस में, उसको लग रहा है कि आसानी से बन जाते हैं। मैंने उसको बताया कि भाई सुबह 7 बजे उठना होता है काम पे जाने के, सुबह अगर 7 बजे काम है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, खाना भी बनाना है खुद को, तो रात को आना भी है और रात को लेट भी हो सकते हो, ठीक है, 10-11 बजे रात को भी खाना खुद ही बनाना है। वो बोला कि खुद ही खाना बनाना पड़ता है, तो भाई मैं बताना चाहता हूँ सभी को कि खुद ही खाना बनाना पड़ता है। जो लोग सोचते हैं कि आसान है, इधर आसान नहीं है कुछ भी, बाहर के लोग जो स्ट्रगल होती है ना इंडिया में, अगर आप, वो इंडिया में 30,000 कमा रहा है मंथली, ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, क्योंकि माँ बाप के साथ है, रात को रोटी मिलती है, सुबह रोटी मिलती है ना, तो बढ़िया चीज़ है। अगर इतना पैसा इंडिया में कमा रहे हो, 30,000-40,000 आप बना रहे हो, उधर आपका लाइफ अच्छे से चल रहा है, तो इधर आने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, आपको घूमना है तो टूरिस्ट आ जाइए। उसको बता रहा हूँ कि यार सुबह उठना होता है, 7 बजे काम है तो 6 बजे उठना होता है, खाना वगैरह पैक करोगे, नहाओगे, ब्रश करोगे तो 1 घंटा लग ही जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को सोच के लगता है कि लाइफ आसान है, वो आ जाते हैं इधर काम छोड़ के, उधर कोई डॉक्टर भी इधर आए हुए हैं, बहुत लोग आए बाद में पछताते हैं कि भाई यार उधर तो मैं अच्छा काम करता था, इधर ऐसा वैसा ये वो। सुबह उठो, काम करो, सारा दिन दिहाड़ी पे जाओ, जब वो लोग उधर काम छोड़ के इधर आके दिहाड़ी पे जाते हैं ना, फिर पछताना होता है कि यार इससे अच्छा तो मैं उधर ही कमा रहा था, राजे की तरह कमा रहा था। ऐसे लोग मुझे बहुत मिले हैं जो बिना सोचे समझे सोचते हैं कि यार बाहर तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, घूमेंगे, आश करेंगे, पैसा गिरेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। कुत्तों की तरह इधर आके काम करो, उधर सुबह उठ के खेत में जाओ, उधर मिट्टी खोदो, ये करो, संतरे तोड़ो, ठीक है, बाद में शाम को आके खाना भी खुद बनाओ, थके हुए कपड़ों से पता नहीं चलता है कि पहले मैं खाना बनाऊं फिर पहले मैं नहाने जाऊं, ऐसा होता है, ठीक है। जो लोगों की मजबूरी होती है वो तो इधर उधर से कर्जा उठा के आ जाते हैं, जिनको कुछ करना होता है, जिनको काम नहीं मिल रहा है उधर, बट जिनके पास ऑलरेडी से है उनको नहीं है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ना आओ, क्योंकि इधर आके काम ढूँढो, पहले तो काम नहीं मिलता है आसानी से, फिर मेहनत करो, काम मिल गया तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो किए नहीं जाते, फिर तुम लोग बोलते हो यार कि तुम लोग तो बोलते थे लाइफ आसान है, भाई तुम लोग उधर कमा रहे हो आसानी से तो इधर आके आप लोगों को मुश्किल ही लगेगा। इधर सुबह उठो, है ना, बाद में उधर काम पे जाओ,
मालिक की गालियाँ सुनो, फिर तुम लोग बोलते हो कि यार मालिक गाली देता है, ऐसा ऐसा हमें काम नहीं करना है। फिर बोलते हो कि इधर तो ऐसा है ऐसा है। तुम लोग बोलते हो 2 लाख कमा लेते हैं, 3 लाख कमा लेते हैं। भाई कमाते हैं, दिमाग से कमाने होते हैं। जो लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, जिन्होंने इंडिया में भी कोई काम नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है काम ढूंढना। पहली बात तो काम मुश्किल से मिलता है, ढूंढना पड़ता है इधर उधर जाके, फिर काम मिलता है। तो फिर जब सुबह सुबह उठना, तो बहुत लोग उठ ही नहीं पाते हैं काम पे जाने के लिए, फिर वो काम छोड़ देते हैं और वो इंडिया से पैसे मंगाते हैं रेंट पे करने के लिए। स्टूडेंट फीस भी नहीं बनती है उनसे, फीस भी इंडिया से निकालते हैं। ठीक है, जिन लोगों का काम इंडिया में सही है वो इंडिया में सही है, अपना काम करो। इधर आना है, टूरिस्ट आओ घूमो, टूरिस्ट जाओ दूसरी कंट्रियों में, काम देखने मत जाओ। और बाद में अगर काम मिल गया तो बाद में आपको हाउस रेंट, ठीक है, हाउस रेंट भरो, इंश्योरेंस भरो, रोड टैक्स भरो। अगर आपने बाइक लेनी है तो बाइक बाद में, पहला बंदा लेता है उतनी देर चला नहीं सकता जब तक रोड टैक्स नहीं भरा है। ठीक है, ये सारे जितनी कमाई करते हो आप, 50% तो इधर ही चली जाती है आप लोगों की। 2-1 लाख भी कमा रहे हो, ठीक है, तो 50,000 इधर ही चला गया इन चीज़ों में। ठीक है, बचा कितना, 50,000। उसमें से खुद का भी तुम लोगों का दिल करेगा ना खाने को, तो वो खुद के पास भी रखोगे थोड़ा बहुत, फिर भी कितना भेजोगे घर पे, 30,000 है ना। जिन लोगों को आते ही 1 लाख के सैलरी इतना ही होता है, 1,000 के आसपास ही होता है, 1,000 यूरो 1 लाख ही बनता है, 1,100 यूरो 1 लाख बन जाता है इंडिया का। फिर उसके बाद रोड टैक्स भर दिया, उसके बाद इंश्योरेंस कराओ बाइक की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तुम लोगों को भरना है, वाईफाई का भी तुम लोगों को भरना है, पानी का भी तुम लोगों को भरना है। फिर ये उधर ही हिसाब आ गया, इधर आने का उन लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ जो लोग इंडिया में अच्छे से 30-40 हज़ार बना रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए फ़ायदा है। और स्ट्रगल करने वाले जो लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि कुछ बने, वो भी एक दो साल लगता है। इधर बाहर की कंट्रियों में आते हो ना जब आप, 1-2 साल लगता है। जो लोग 2 साल इधर निकाल गए वो कुछ बन सकते हैं। कुछ आते ही बोलने लग जाते हैं, 15 दिन आते आने हुए होते हैं उनको, बोलते हैं भाई मुझे 15 दिन हो गए यार, मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मुझे वापस जाना है। भाई 15 दिन में काम नहीं मिलता है किसी को, 1 महीने में भी नहीं मिलता है, मुश्किल से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इधर कम से कम आपको सेटल होने के लिए 1-1.5 साल चाहिए। जब इधर आके आप अगले साल की फीस निकाल लेते हो ना, फिर आप समझो कि हाँ आप कुछ कर सकते हो अभी इधर, नहीं तो नहीं। क्योंकि आने से कुछ नहीं होता है जब तक अगले साल की फीस नहीं निकालते हो, जब निकालते हो ना तब पता चलता है कितना आदमी मेहनती है। तो भाई ऐसा ही है, इधर स्ट्रगल बहुत है। ठीक है, वही लोग आओ जो कर सकते हैं। इधर बहुत लोग आ रहे हैं और वापस भी जा रहे हैं, बहुत लोगों का मैंने पैसा खराब होते हुए देख लिया। और खुद पे डिपेंड होता है कि इजी लाइफ बनाने के लिए, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर खुद उसको इजी बनाना चाहोगे तो हो सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। कि बहुत सारे लोग इधर को है जो कुछ जानते भी नहीं होंगे, जो कुछ इंग्लिश भी नहीं आते होंगे, उन्होंने भी बहुत इजी लाइफ बनाई हुई है इधर को। तो आप खुद पे डिपेंड रखो, कैसे बनाना है, इजी बनाना है, मुश्किल बनाना है, आना चाहते हो तो कोई मना नहीं है। बाकी यार डिपेंड होता है खुद के ऊपर, जैसा कि महिमा ने बोला है, मेहनत करो। मैं भी जब आया था भाई, 2 साल तक मेरे को काम नहीं मिला था। ठीक है, ऐसे ही है, एक छोटी सी वीडियो बनाने का दिल किया था कि बता दूं भाई इधर आके क्या क्या पे करना होता है, क्या इंश्योरेंस होती है, क्या रोड टैक्स होता है, सुबह उठते ही काम पे जाना होता है। कोई कोई किस्मत वाले होते हैं जिनको 10-11 बजे वाला काम मिल जाता है, कुछ डिलीवरी वाले होते हैं जो अपनी मर्जी से डिलीवरी पे जाते हैं, और वो चीज़ें तभी होती हैं जब आप 1 साल तक इधर रहते हो, क्योंकि डिलीवरी भी आते ही नहीं मिलती है, उसके लिए लाइसेंस बनाना पड़ता है, फिर बाइक खरीदनी पड़ती है, ठीक है, फिर उसका इंश्योरेंस पे करना होता है, ये सारी चीज़ें करके भी फिर डिलीवरी स्टार्ट होती है। ठीक है, बाकी यार मोटिवेशन वीडियो मैं बनाता हूँ लोगों के लिए कि लोग आए अच्छे से काम करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोगों को कि आओ ही मत, ठीक है, बस बात इतनी सी है कि लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं काम नहीं होता है उनसे, लेकिन वो सोचते हैं इंडिया में मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं बाहर चला जाता हूँ, बाहर आसान होता है, आसान पैसे बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बाहर और भी मुश्किल है, बहुत लाइफ में स्ट्रगल होता है, इधर उधर भागना पड़ता है, अपने खुद के पेपर भी पूरे करने होते हैं, कॉलेज भी जाना होता है, ठीक है, और उधर बाद में मालिक छुट्टी नहीं देता है, मालिक बोलता है नहीं देनी छुट्टी, कॉलेज वाले बोलते हैं तुम नहीं आओगे
तो हम तुझे पिंक स्लिप नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। बाकी यार ये ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, हम लोगों के कमेंटों के रिप्लाई करेंगे जैसे कि मैं ऊपर अपने वीडियो में करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे कमेंट करो इसके ऊपर ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंटों के रिप्लाई कर दूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।